दोस्तों 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में इंडिया ने हिस्ट्री बना दी। हमारे एथलीट्स ने 24 मेडल्स जीत के एकदम नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। इतने मेडल्स तो इंडिया ने पैरालंपिक्स में पहले कभी नहीं जीते थे। ये सिर्फ एक बड़ी अचीवमेंट नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए बहुत प्राउड मोमेंट भी है। इन मेडल्स के पीछे हमारे खिलाड़ियों की सालों की कड़ी मेहनत और डेडिकेशन है। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया, हर चैलेंज को पार किया और आज पूरा देश उनकी इस सक्सेस का जश्न मना रहा है। हर कोई इन एथलीट्स की तारीफ कर रहा है और इनकी अचीवमेंट्स पर प्राउड फील कर रहा है। अवानी लेखारा, इस नाम को याद रखिएगा। अवानी ने पेरिस पैरालंपिक्स में शूटिंग में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये अवानी के करियर का सबसे बड़ा मोमेंट है। उन्होंने अपने पिछले रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ दिया और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। उनकी ये अचीवमेंट उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। अवानी ने दिखा दिया कि अगर मेहनत और लगन हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उनकी इस सक्सेस ने बहुत से यंग एथलीट्स को इंस्पायर किया है। आज बहुत से बच्चे अवानी की तरह बनने का ड्रीम देख रहे हैं। सुमित एंटिल, इस नाम को भी याद रखिएगा। सुमित ने पेरिस पैरालंपिक्स में एक हिस्टोरिकल थ्रो किया है। जेवलिन थ्रो में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सुमित का ये परफॉर्मेंस एकदम लाजवाब था। उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को बहुत पीछे छोड़ दिया। सुमित के इस थ्रो ने उन्हें वर्ल्ड लेवल पर पहचान दिलाई है। उनकी इस जीत ने हर इंडियन को प्राउड फील कराया है। सुमित ने प्रूव कर दिया है कि मेहनत का फल मीठा होता है। उनकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है। उन्होंने जिंदगी में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया लेकिन हार नहीं मानी और आखिरकार सक्सेस हासिल की। सेक्शन 4, धर्मवीर नैन, प्रणव सूरमा एंड देयर अचीवमेंट्स। धर्मवीर नैन और प्रणव सूरमा, इन्होंने भी पेरिस पैरालंपिक्स में कमाल कर दिया। दोनों एथलीट्स ने अपने अपने खेलों में मेडल्स जीते हैं। धर्मवीर ने एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। उनका परफॉर्मेंस भी काबिले तारीफ था। उन्होंने पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। वहीं प्रणव सूरमा ने स्विमिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उनका ये मेडल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रणव ने दिखा दिया कि कड़ी मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है। दोनों एथलीट्स की ये अचीवमेंट बहुत इंस्पिरेशनल है। इन्होंने दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सेक्शन 5, सीतल डेवाइस इंस्पायरिंग ब्रॉन्ज। सीताल देवी, जी हाँ, सीताल देवी ने पेरिस पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उनकी ये अचीवमेंट बहुत इंस्पिरेशनल है। सीताल ने आर्चरी में ये मेडल जीता है। उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से सबको चौंका दिया। उनकी ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट है। सीताल ने दिखा दिया कि विमेन भी हर फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं। उनकी इस सक्सेस ने बहुत सी महिलाओं को इंस्पायर किया है। आज बहुत सी लड़कियां सीताल की तरह बनने का ड्रीम देख रही हैं। सेक्शन 6, प्रीति पाल एंड अदर नोटेबल परफॉर्मेंसेस। प्रीति पाल, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। प्रीति और बाकी प्लेयर्स ने भी पेरिस पैरालंपिक्स में कमाल का परफॉर्मेंस दिया। प्रीति पाल ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। उनका परफॉर्मेंस भी काबिले तारीफ था। प्रीति ने दिखाया कि अगर मेहनत और लगन हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बाकी प्लेयर्स ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने देश का नाम रोशन किया। इन सभी एथलीट्स की अचीवमेंट्स ने पूरे देश को प्राउड फील कराया है। इन्होंने दिखाया कि मेहनत और डेडिकेशन से सब कुछ पॉसिबल है। सेक्शन 7, इंपैक्ट ऑन इंडिया स्पोर्ट्स कल्चर एंड इंस्पिरेशन फॉर द नेशन। दोस्तों, इंडिया की इस हिस्टोरिकल सक्सेस ने स्पोर्ट्स कल्चर को एक नई दिशा दी है। अब खेलों के प्रति लोगों की सोच बदल रही है। खिलाड़ियों की ये अचीवमेंट्स पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। अब लोग खेलों को सीरियसली लेने लगे हैं। इन एथलीट्स ने दिखाया कि अगर मेहनत और डेडिकेशन हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इनकी सक्सेस ने बहुत से यंगस्टर्स को इंस्पायर किया है। आज बहुत से बच्चे भी इनकी तरह बनने का ड्रीम देख रहे हैं।